गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लॉकडाउन में सब लोग घर पे क्या कर रहे हैं? खेल रहे होंगे, सब लोग मस्ती कर रहे होंगे, ठीक है। अब थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं, हम लोग थोड़ा पढ़ाई में अपना ध्यान लगाते हैं। आज से हम इंग्लिश पढ़ेंगे और इंग्लिश में आपके जो टॉपिक्स हैं उसमें से बिल्कुल कॉमन टॉपिक, बिल्कुल ईजी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँगा नाउन, ठीक है। तो आपने जो मस्ती करी है उसमें से थोड़ा सा दिमाग पढ़ाई पर लगाइए और जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना है। एक पेन अपने पास रख लीजिए, एक नोटबुक आपको अपने पास रखनी है और जो बातें मैं आपको बोर्ड पे समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझ के सारी बातों को नोटबुक में नोट करना है। कोई बात समझ में नहीं आए तो मैं आपको अगली क्लास में और क्लियर कर दूँगा, ठीक है। उसका डाउट क्लियरिंग सेशन भी हम लोग रखेंगे, अगर आपको समझ रहे तो मैं समझा दूँगा आपको। तो आज हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं उसका नाम है नाउन। आपने इस टॉपिक का नाम पहले भी सुना होगा, ठीक है। हम हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जिनके खूब सारे नाम होते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास होती है, जैसे हमारे पास कोई फ्लावर है, फैन है ना, पेन है हमारे पास, नोटबुक है, बैग है, डस्टर है, पेंसिल है, बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास होती है, टेबल है, चेयर है, ये सारे नाम हैं, चीज़ों के नाम हैं बहुत सारे। तो ये जो चीज़ें हमारे आसपास होती है, चारों तरफ होती है, इन सब चीज़ों को हमने कुछ नाम दे दिए हैं जिससे कि हम उनको आराम से पहचान सकें, उनके बारे में बात कर सकें, किसी को बता सकें कि देखो कौन सी चीज़ है। तो ये नाम हमने क्यों दिए? हमारी सहूलियत के लिए, आराम से समझने के लिए। तो हम इन्हीं नामों को हम नाउन कहते हैं। बस हमें यही ध्यान रखना है, कोई भी चीज़ जिसको हमने कोई नाम दिया है वो नाउन होती है। इसका एग्जाम्पल, इसका जो डेफिनेशन है वो इंग्लिश में मैं आपको समझा रहा हूँ, बोर्ड पे ध्यान से देखना आप लोग एक बार। डेफिनेशन क्या होती है इसकी? नाउन इज द नेम। हमने छोटी क्लासों में खूब पढ़ा है इसको, नाउन क्या होती है। नाउन इज द नेम, नाउन क्या होता है? नाम होता है नाउन। बस ध्यान रखने की बात ये, किसी भी चीज़ का नाम नाउन होता है। उसके टाइप्स की हम बाद में बात करेंगे, अभी हम केवल ये सीखेंगे नाउन जो होता है किसी चीज़ का नाम होता है। नाउन इज द नेम। अब किस किस चीज़ का नाम हो सकता है नाउन? नाउन चीज़ों का नाम हो सकता है जिसमें पर्सन शामिल होते हैं। पर्सन कौन होते हैं? जो हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, हमारे नेबर्स होते हैं, जिन लोगों से हम मिलते हैं, किसी भी इंसान का नाम वो नाउन होगा। बचाए आपको खुद का नाम हो, आपके भाई का नाम हो, अपने पापा का नाम हो, है ना, आपके दोस्त का नाम हो, हमारे टीचर का नाम हो, हमारी मैम का नाम हो, मदर का नाम हो, आंटी का नाम, किसी भी इंसान का नाम नाउन होता है। तो हम बात कर रहे थे नाउन किसका नाम होता है? पर्सन का नाम। किसी व्यक्ति का नाम क्या होता है? नाउन होता है। फिर आगे हम चलते हैं, किसी प्लेस का नाम भी क्या होता है? नाउन होता है। प्लेस किसको बोलते हैं? जगह को बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आप कानोता में रहते हैं, तो कानोता क्या हो गया? एक नाम हो गया। और ये कौन सा, किस चीज़ का नाम है? जगह का नाम है, ठीक है। तो प्लेस के नाम को भी हम नाउन बोलते हैं। अब इसके अलावा और कौन कौन से नाउन हो सकते हैं? जैसे कानोता को आपने नाउन बता दिया, जयपुर हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, बेंगलुरु हो गया, ठीक है, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, एनी सिटी, कोई शहर, कोई देश, जो जगह है उस जगह को भी हम नाउन बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, पर्सन का नाम, जगह का नाम, ये दोनों क्या होते हैं? नाउन होते हैं। दो बात आपके समझ में आ गई होगी, जैसे किसी भी व्यक्ति का नाम जो आप, जिससे आप मिलते हैं, जिसको देखते हैं, हमारे चौरा जितने भी लोग हैं हमारे चारों तरफ, वो सब नाउन्स होते हैं, उनके नाम नाउन होते हैं। उसी तरह से जो जगह हम देखते हैं, जिस जगह को हम किसी विशेष नाम से जानते हैं, वो जगह का नाम भी क्या होता है? नाउन होता है। एग्जाम्पल के लिए हमने समझा कानोता, जयपुर, दिल्ली, बेंगलुरु, हरियाणा, पंजाब, है ना, मुंबई, कोई भी जगह का नाम जो है वो नाउन होता है। उसके आगे हम चलते हैं, एनिमल। एनिमल क्या होता है? हमें पता है एनिमल्स जानवर होते हैं। तो हमारे पास, हमारे आसपास कितने सारे एनिमल्स हैं, मतलब हमारे जो लोकेलिटी के अंदर हम देखते हैं, डॉग्स होते हैं, है ना, गाय होती है, भैंस होती है, इन सारे जानवरों को, बहुत और भी बहुत सारे जो हमारे आसपास हैं प्लस कहीं पर भी हैं, उनको हमने कोई नाम दे रखा है। कौन कौन से जानवर होते हैं? गाय, भैंस, घोड़ा, कुत्ता, हाथी, है ना, वी सी अ लॉट ऑफ एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स हम देखते हैं, जैसे काऊ है, बफेलो है, ठीक है, रैबिट है, डॉग है, और कैमल है, जिराफ है, ऑक्स है, ये सारे जानवर, इनको, इन सबको हमने एक विशेष नाम दे रखा है।
उस नाम से हम इनको बुलाते हैं, तो वो नाम इनका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो हम तीन चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी है, पर्सन का नाम, ठीक है, प्लेस का नाम और एनिमल्स का नाम, इन सब के नामों को हम नाउन बोलते हैं। आगे हम चलते हैं किसी चीज़ का नाम। चौथी चीज़ हमारे पास है कि अगर कोई चीज़ थिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो हम हमारे आसपास देखते हैं, जो हमारे घर में होती है, बाहर होती है, कहीं पर भी होती है, तो चीज़ का नाम भी नाउन होती है। जैसे मान लीजिए आपके घर में क्या क्या चीज़ें हैं, आपके घर में टीवी होगा, फैन होगा, एसी होगा, सोफ़ा होगा, चेयर, टेबल, ग्लास, ओके, विंडो, स्विच बोर्ड, रिमोट, और आपके बोल सकते हैं आप थाली होती है, ग्लास होता है, आपके स्पून होती है, बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में होती है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये तो हमारे घर की चीज़ें, बाहर कौन सी चीज़ें होती है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, बस है, कार है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हम ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ट्री है, लाइट पोल है, रोड है, कोई भी चीज़, या दुकान, दुकान के अंदर कितनी सारी चीज़ें होती है, वो सारे आइटम्स भी क्या होते हैं, थिंग्स होते हैं। और कहीं हम मार्केट जाते हैं, वहाँ कितनी सारी चीज़ें हम दुकानों में देखते हैं, दे ऑल आर थिंग्स, वो सारी क्या होती है, थिंग्स होती है। तो थिंग्स का नाम भी क्या होता है, नाउन होता है। जो हमने अभी तक पढ़ा कि नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, ठीक है, उसमें हमने लोगों के नाम जाने, प्लेस उसने हम उसमें हमने जगहों के नाम जाने, जगहों का नाम भी नाउन होता है। एनिमल का नाम हमने अभी डॉग्स का, ऑक्स का, काऊ का, है ना, फॉक्स का, कैमल का, जिराफ का, ये सारे नाम भी क्या होते हैं, नाउन होते हैं। इसके बाद में हमने जाना कि चौथा जो होता है थिंग, चीज़ों का नाम भी क्या होता है, नाउन होता है। कौन कौन सी चीज़ें हमने बात कर ली ऑलरेडी, हमारे घर में जो चीज़ें होती है, बाहर जो चीज़ें होती है, दुकानों में जो चीज़ें होती है, जो हम आस पास देखते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती है, नाउन होती है। आगे हम चलते हैं क्वालिटीज़। तो क्वालिटीज़ क्या होती है, क्वालिटी होती है जैसे मान लीजिए कि आप इंटेलिजेंट हैं, यू आर इंटेलिजेंट, तो आपकी क्वालिटी क्या हो गई, इंटेलिजेंट होना, ठीक है। और किसी की क्वालिटी है मान लीजिए वो बहुत तेज दौड़ सकता है, ही इज़ अ रनर, ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि ही इज़ वेरी क्लेवर, वो बहुत चालाक है, बहुत चतुर है, तो ये उसकी क्वालिटी हो गई। मान लीजिए हम बोलें ही इज़ वेरी टॉल, वह बहुत लंबा है, ही इज़ अ शॉर्ट पर्सन, वह एक छोटे कद का इंसान है, तो ये आपकी क्वालिटीज़ की बात हो गई, ठीक है। तो और भी क्वालिटीज़ हो सकती है, शी इज़ ब्यूटिफुल, ही इज़ हैंडसम, इसमें भी क्या आ रहा है, शी इज़ ब्यूटिफुल में ब्यूटिफुल होना उसकी क्वालिटी हो गई, ही इज़ हैंडसम में हैंडसम होना उसकी क्वालिटी हो गई। तो इस तरह से क्वालिटीज़ की जब हम बात करते हैं तो क्वालिटीज़ भी किस में आती है, नाउन के अंदर आती है। तो ये जो हमने चीज़ें पढ़ी, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, क्वालिटीज़, ये सारे क्या होते हैं, इन सब के नाम भी क्या होते हैं, नाउन होते हैं। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं फीलिंग्स। फीलिंग्स क्या होती है, आपको पता है आप सुबह उठते हैं तो आप बिल्कुल ऐसे आँखें मलते हुए से उठते हैं, है ना, और आपको ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगता है, आप नींद में होते हैं, फिर आप नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद आपको आपका मूड बिल्कुल अच्छा हो जाता है, ठीक है। फिर मान लीजिए आपको पापा ने डांट दिया तो आपका मूड थोड़ा ख़राब हो जाता है, आपको तो आपकी फीलिंग कैसी हो जाती है, सैडनेस वाली फीलिंग हो जाती है ना। और जब आपको पापा ने कोई गिफ्ट ला के दिया, मम्मी ने कोई गिफ्ट दिया, सिस्टर ने कोई गिफ्ट दिया, तो आप बिल्कुल हैप्पी हो जाते हैं। तो ये सारी क्या है, ये सारी आपकी फीलिंग्स हैं, है ना, आप कैसा महसूस करते हैं, आप कैसा सोचते हैं उस चीज़ के बारे में। तो ये सारी फीलिंग्स का नाम भी, हम बात करने केवल नाम की, फीलिंग्स का नाम भी क्या होगा, नाउन होगा, ठीक है। फीलिंग्स कौन कौन सी होती है, हैप्पीनेस है, सैडनेस है, ठीक है, क्लेवरनेस है, ब्यूटी है, सॉरी ब्यूटी तो आपके क्वालिटीज़ के अंदर आ गया, लेकिन आपकी जो मेंटल स्टेट्स जो होती है, आप जो मन में सोचते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती है, फीलिंग्स होती है, ठीक है। तो ये फीलिंग का नाम भी क्या होता है, नाउन होता है। तो ये इतनी सारी चीज़ें हमने आज पढ़ ली है। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स कौन कौन सी होती है। तो अभी मैं आपको केवल ये बताऊंगा, टाइप्स का नाम समझाऊंगा आपको कि नाउन के कौन कौन से टाइप होते हैं, ठीक है, इनको बाद में हम आराम से समझेंगे, अगली क्लास में मैं आपको समझाऊंगा। अभी आप देखिए, फर्स्ट टाइप जो नाउन का होता है उसको बोला जाता है कॉमन नाउन, क्या बोला जाता है उसको, कॉमन नाउन। दूसरा टाइप हमारे पास है प्रॉपर नाउन, ठीक है, एक बार मैं आपको कल नाम समझा रहा हूँ। तीसरा नाउन हमारे पास, उसका नाम है कलेक्टिव नाउन। चौथा जो टाइप हमारे पास होता है उसका नाम है मटेरियल नाउन। पांचवा जो टाइप है उसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो बस हमारे पास ये पांच टाइप होते हैं नाउन के,
ये हम आज हमने पढ़ा नाउन की डेफिनेशन, नाउन क्या होती है और नाउन के टाइप्स क्या होते हैं। आगे हम अगली क्लास में जानेंगे नाउन के टाइप्स कौन कौन से, उसको विस्तार से समझेंगे एक्सप्लेन करके, और उसके एग्जाम्पल भी हम लोग समझेंगे। आज के लिए इतना ही, और होमवर्क में क्या करेंगे आप लोग इसको लर्न करेंगे, फिर हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। ओके बाय एवरीवन, अगली क्लास में मिलते हैं, इसको लर्न करिए, बाय फॉर टुडे।